दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो रिमोट सर्वर पर डेटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए इंटरनेट का यूज करती है और फिर इंटरनेट के थ्रू डेटा एक्सेस करती है। एग्जाम्पल के लिए आप गूगल क्लाउड दे सकते हैं। तो मैं आपको 5 आसान स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला है, आपको इसका प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा कि क्लाउड क्या होता है और ये क्यों यूज़ होता है और किस वजह से इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको फिर इस फील्ड में 3 बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स के बारे में जानना होगा, जो है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेज़न वेब सर्विसेज जिसको AWS भी बोल सकते हैं। दूसरा स्टेप है क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल को जानना और उसमें प्रोफिशिएंट होना। आपको क्लाउड में अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करनी होगी, जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन और आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में पढ़ना होगा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको और भी कई चीज़ें पढ़नी होगी, जैसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज, नेटवर्किंग की स्किल्स, डेवऑप्स क्या होता है, डेटाबेस का समझ, लिनक्स आनी चाहिए, APIs और वेब सर्विस के बारे में समझना होगा। तीसरा स्टेप आता है सर्टिफिकेशन करना। सर्टिफिकेशन आपको मदद करेगा इंडस्ट्री के हिसाब से कि क्या क्या जरूरी है। मोरेवर, ज़्यादातर सर्टिफिकेशन कोर्स आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन लैब प्रोवाइड करती है, जो आपकी मदद करेगी आपको अच्छी जॉब पाने के लिए। जैसे मैं कुछ सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो पहला है अमेज़न वेब सर्विस सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एसोसिएट, जिसकी फीस है 11,400 इंडिया में। इसमें आप सीखेंगे नेटवर्किंग के बारे में, स्टोरेज और डेटाबेस के बारे में, AWS सर्विसेज के बारे में, उनका डिप्लॉयमेंट और मैनेज करना, बेसिक आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल समझना AWS के और AWS बिल्ड करना। दूसरा सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज़्योर फंडामेंटल है। इसका प्राइस आपको 8,000 के आसपास मिलेगा। इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लाउड सर्विसेज जो है IaaS और PaaS के बीच, कि बेनिफिट क्या क्या होता है क्लाउड सर्विसेज का, और वर्चुअल मशीन के बारे में सीखेंगे आप इसमें, Kubernetes के बारे में सीखेंगे आप। और तीसरा आता है गूगल एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर, इसकी फीस लगभग 10,000 के आसपास है। इसमें आप सीखेंगे क्लाउड सॉल्यूशन को सेटअप करना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिलिंग कन्फिगरेशन करना, डिप्लॉय करना, गूगल Kubernetes इंजन के बारे में पढ़ोगे आप, एप्लीकेशन को मैनेज करना, वर्चुअल मशीन को मैनेज करना। चौथा आता है IBM सर्टिफाइड टेक्निकल एडवोकेट, इसकी फीस है अप्रॉक्स 15,000 के आसपास, और इसमें आप सीखेंगे क्लाउड कॉन्सेप्ट के बारे में, IBM क्लाउड कंपोनेंट के बारे में, आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल और पैटर्न के बारे में, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के बारे में, क्लाउड डिप्लॉयमेंट जैसे और भी कई चीज़ों के बारे में सीखोगे। पाँचवा आता है सर्टिफिकेशन क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस सर्टिफिकेट ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी नॉलेज, इसकी अप्रॉक्स फीस है 30,000 के आसपास। इसमें आप सीखेंगे और टेस्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इसमें आप लीगल इशू और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे, वर्चुअलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, डेटा सिक्योरिटी के बारे में सीखेंगे और भी कई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो अब सवाल आता है, इनमें से आपको कौन सा सर्टिफिकेशन लेना चाहिए? अगर आपने डिसाइड कर लिया है क्लाउड में सर्टिफिकेशन लेना, तो आपको ये देखना होगा कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म ज़्यादातर यूज़ होता है जियोग्राफिकली। गवर्नमेंट एजेंसी ज़्यादातर यूज़ करती है एज़्योर को, फाइनेंशियल कंपनी शायद IBM या AWS को यूज़ करती है। मई 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से AWS के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, और लास्ट में आता है गूगल क्लाउड और IBM। चौथा स्टेप है थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना। आप माइनर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट ले सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में, ताकि आप एक्सपीरियंस गेन कर सके और फैमिलियर हो सके क्लाउड में। जैसे कुछ एरिया है क्लाउड माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन का, सर्वर को मैनेज करने का, क्लाउड मॉनिटरिंग जैसे एक्सेट्रा। पांचवा और फाइनल स्टेप, कंपनीज तक पहुँचना नेटवर्किंग साइट के थ्रू, जैसे कि LinkedIn है, अपने कनेक्शन के थ्रू अगर आप पे है, ऑनलाइन वेबसाइट या फॉरम पर जॉब्स के बारे में देख सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और पैंडमिक के वजह से हमें पता चल गया है क्लाउड कितना वैल्यूएबल है। बिजनेस
स्मॉल और लार्ज कंपनी अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रही है क्लाउड में माइग्रेट करके, और ये कंपनीज तैयार है आपको ज्यादा सैलरी देने के लिए जिसके पास काफी अच्छा टैलेंट है इस डोमेन में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली।